नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। आज है 15 अगस्त और 15 अगस्त को हम लोग स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं और आज 75वां स्वतंत्रता दिवस को हम लोग मना रहे हैं। आज से 75 साल पहले यानी 1947 से पहले हम अपने देश को गुलामी की जंजीरों में मान के चलते हैं कि जकड़ी हुई थी हमारी देश और वो अंग्रेजों का हमारे ऊपर शासन था। उस समय हम लोग अंग्रेज के गुलाम हुआ करते थे। मैंने नहीं देखा है, आप लोगों में से बहुत सारे लोग भी नहीं देखे होंगे, लेकिन मैंने पढ़ा है, अपने बुजुर्गों से सुना है कि वो बहुत ही भयावह था, गुलामी का जंजीर जो था वो बहुत ही भयावह था। तो हमारे स्वतंत्रता सेनानी लोगों ने मिल करके हमारे देश को उस गुलामी से आज़ाद दिलाया। लेकिन हमने ये सारा बात आप लोगों को क्यों बताया, जो आपने आप लोग जानते हैं, इसलिए बताया दोस्तों कि ज़्यादातर लोग आज के टाइम में, क्या हम आज़ादी के 75 साल बाद भी आज़ाद हैं? उस समय हम अंग्रेज के गुलाम थे, आज किसके गुलाम हैं? आप लोगों को लगता होगा कि हम आज़ाद हैं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ जी? नहीं, मैं किसी भी कानून पे, किसी भी पॉलिटिक्स का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ आपकी और हमारी। हम लोग गुलाम आज भी है और है गुलाम अपने सोच की। ये बात मैं आप लोगों से बहुत पहले करना चाहता था, लेकिन सही समय का इंतज़ार कर रहा था। आज आज़ादी का दिन है, इसलिए मैं आप लोगों से 4 बातें करने के लिए आया हूँ। और प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, इससे आपके जीवन में ज़रूर बदलाव आएगा। हम लोग आज भी अपने सोच का गुलाम हैं। ज़्यादातर समय हम किस चीज़ में व्यतीत करते हैं? अपने घर में बैठ कर मोबाइल ब्राउजिंग कर रहे होते हैं और खाली बैठे होते हैं। मैं उन सारे भाइयों से जो खाली बैठे हैं आग्रह करना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ एक बार मंथन करिए कि आप क्यों खाली बैठे हैं और इसका कारण कौन है। कभी हम अपने सरकार पे ब्लेम लगाते हैं, कभी हम अपने सिस्टम पे ब्लेम लगाते हैं, तो कभी अपने पेरेंट्स पे ब्लेम लगाते हैं कि उन्होंने सही से एजुकेशन नहीं कराया। लेकिन आप देखेंगे कि जितने भी लोग जो सक्सेस हुए हैं उनके यहाँ कोई बहाना नहीं था। हम लोग ज़्यादातर अपना समय बहाना बनाने में निकाल देते हैं कि हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं हैं, हमारे पास सुविधाएं नहीं हैं, हम गांव से बिलोंग करते हैं, तो किसी का अनुसार से बिलोंग करते हैं, तो कहीं कंपटीशन ज़्यादा है। लेकिन क्या ये वाकई में वो चीज़ें हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है? आपके पास पैसा न होना आपके सक्सेस न करने के लिए पर्याप्त है? मैं इसे गलत मानता हूँ और आपको भी मानना चाहिए। हम लोग ज़्यादातर अपने सोच का गुलाम इसलिए हैं क्योंकि हम लोग ये सोचने में अपना वक्त गुजारा ज़्यादा बर्बाद करते हैं कि समाज में लोग क्या सोच रहे हैं, हमारे बारे में लोग क्या सोच रहे हैं। और मैं कहता हूँ कि आप स्टार्ट तो करो, जीरो से स्टार्ट करिए, आप कुछ भी करिए। आपके पास पैसे नहीं है, आप नौकरी करिए। मैं नौकरी के खिलाफ नहीं हूँ, मैंने खुद नौकरी करके ही अपने बिजनेस को डेवलप किया है और आप लोग भी कर सकते हैं। मैं मानता हूँ कि जो लोग नहीं कर पा रहे हैं उनमें किसी और का कोई दोष नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपका है। और ये सच है और कड़वा सच है। आप अपना एफर्ट नहीं लगाते हैं, आप इनिशिएटिव नहीं लेते हैं, तो आपका काम कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा। कोई भी लड़का जब पढ़ाई करता है, स्टूडेंट पढ़ाई करता है, IAS का तैयारी करते हैं, SSC का तैयारी करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो क्या 100% सक्सेस मिलता है क्या? और बिजनेस भी आप करते हैं तो उसमें 100% सक्सेस आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको पता नहीं है कि आपका कौन सा आपके लिए बिजनेस आपके लायक है। और उसी में से कुछ लोग निकल के आएंगे और बोलेंगे कि बिजनेस गलत है। कोई भी बिजनेस गलत नहीं होता है। आपके पास जितना पूंजी है उतना पूंजी से बिजनेस से स्टार्ट होता है। आपको ये देखना है कि कौन सा हमारे बजट के अंदर बिजनेस आता है और उस पर आप फुल फोकस करिए और उसको आगे बढ़ाइए। अगर आप ये सोचते रहेंगे तो कभी आपका वैसे स्टार्ट नहीं होगा। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो 1 साल 6 महीना 2 साल तक जॉब करिए, पैसे सेविंग करिए, फिर आप बिजनेस करिए, लेकिन खाली मत बैठिए। ये एक श्राप होता है, जिसको खाली बैठने का आदत हो जाता है ना, वो आदमी कभी भी जीवन में सक्सेस नहीं कर सकता है। और हमारे पास तो एक आ गया मोबाइल, जिसको गलत तरीके से यूज करने के लिए आपके पास सारा टाइम है, सही तरीके से नहीं कर सकते हैं। अभी आज 15 अगस्त का दिन है और आज के दिन में सब लोग आज़ादी मना रहे हैं, लेकिन मेरी आज़ादी क्या है? मैं सुबह में 5 बजे 6 बजे तक मैं ऑफिस पहुंच चुका हूं। आज भी मैं अपना एक क्लाइंट है उनको सारा माल डिलीवर करके फिर आज़ादी एंजॉय करेंगे। हम अपने सोच से आज़ाद होना चाहते हैं, ना कि किसी सिस्टम से आज़ाद होना चाहते हैं।
तो भाइयों मैं ज़्यादा बकवास नहीं करूँगा, हो सकता है आप लोगों को बकवास लग रहा होगा, लेकिन प्लीज़ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ इस बात को आप सोचिए और प्लीज़ आगे बढ़िए। मैं वीडियो बनाता हूँ, इसमें भी कुछ लोग हैं जो हमारे वीडियो को मान लीजिए डिसलाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं। कल एक परसों मैंने एक वीडियो देखा तो उसमें एक भाई जी ने लिखा था कि अगर सब लोग बिजनेस ही करेंगे तो खरीदेगा कौन। हम 135 करोड़ पॉल्यूशन में रहे, पॉपुलेशन में रहते हैं, हमारे कंट्री की 135 करोड़ पॉपुलेशन है। आप आराम से यहाँ पे अच्छा बिजनेस कर सकते हैं, बेहतर अपॉर्चुनिटी है हमारे यहाँ इंडिया में। अरे चाइना को देखिए, वो कहाँ से कहाँ निकल गया, क्यों? उनके पास पॉपुलेशन था और उन्होंने बिजनेस डेवलप किया। तो हम कंपटीशन से नहीं डर सकते हैं, आपको पता होना चाहिए कि आज आप जिंदा है तो भी कंपटीशन है। देख लीजिए इसका जीता जागता सबूत, आपके समाज में दौरा है और कोरोना आया तो कैसे आप लोग जिंदा रहने के लिए कंपटीशन में थे और आप लोगों ने जीता, तभी आज आप हमारे वीडियो देख रहे हैं और मैं भी जीता हूँ। मतलब हमने कंपटीशन किया है और जिंदा रहा है। आप देखे होंगे कि आपके ही परिवार में, आपके समाज में किसी को कोरोना हो गया होगा तो उसको बिल्कुल हम लोग साइड कर दिए। क्यों? क्या उनसे हमारी रिलेशन नहीं थी? नहीं, क्योंकि हमें जिंदा रहना है। हमें कंपटीशन था उनसे कि वो तो जा ही रहे हैं, हम जिंदा रहेंगे, तो वहाँ भी कंपटीशन है। तो प्लीज़ आप लोग कंपटीशन से बिल्कुल मत डरिए। कंपटीशन क्या होता है? कंपटीशन तो हर एक सिस्टम में है, आपको किस चीज़ में कंपटीशन नहीं मिलेगा, हर एक को आगे निकलना है। तो कंपटीशन से मत डरिए, कंपटीशन इंसान को आगे बढ़ाता है। और आप लोग समझते हैं कि कंपटीशन की वजह से हम फेलियर कर जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग का एफर्ट उतना होना चाहिए सो दैट कि आप लोग का कंपटीशन के बावजूद भी आप आगे बढ़ें। मुझे लगता है कि मैं इस चीज़ को आप लोग समझा पा रहा हूँ कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन फैक्ट यही है कि जब तक हम लोग अपने सोच से आज़ाद नहीं होंगे और अपने कार्य को जो हम सोचते हैं उसको करने के लिए डिसीजन नहीं लेंगे तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जिन लोगों को बहुत परेशानी होती है, मान लीजिए कि हमारे बातों से बुरा लगता होगा, उनसे मैं माफ़ी मांगता हूं। और अगर आप लोग वीडियो अच्छा लगा है तो एक बार लाइक ठोक दीजिएगा। और आप लोग को मैं फिर से एक बार स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं, लेकिन साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि प्लीज़ आप लोग अपने आज़ादी लीजिए अपने सिस्टम के, जो समाज में सोच दौड़ रहे हैं उनसे, और आप ये सोचते हैं कि लोग क्या सोचते हैं इनसे आज़ादी लीजिए। मैं 100% श्योर हूँ कि आप लोग जीवन में बहुत अच्छा कर जाएंगे। मैं ये नहीं कहता कि बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ मैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मैं बेरोजगार नहीं हूँ, मैं फालतू में नहीं बैठता। और मैं चाहूँगा कि जितने भी हमारे साथी जो इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारे साथ चैनल से जुड़े हुए हैं, उसे मैं अपने परिवार का एक आदमी समझता हूँ, अपने परिवार का सदस्य समझता हूँ। तो आप लोग भी खाली नहीं बैठिए, सेल्स से ज़्यादा पैसा किसी चीज़ में नहीं है। आप बिजनेस करिए, उसको सेल्स करिए, कुछ भी उठाकर बेच दीजिए मार्केट में, बहुत अपॉर्चुनिटी है, मार्केट बहुत बड़ा है, गांव हो शहर हो कहीं से भी सब कुछ बिकता है। और ये चीज़ जब आप सीख जाएंगे ना एक बार, आपका हाथ कोई नहीं पकड़ सकता आपके समाज में। और नौकरी चाकरी सब ठीक है, आपको स्टार्ट करने के लिए जो इनिशिएटिव लेना पड़े आप लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, आपसे विदा लेते हैं। अभी या इस वीडियो के बाद मैं एक डिलीवरी करने के लिए जा रहा हूँ, उसके बाद वहाँ से आने के बाद ही फिर अपना जो भी कार्यक्रम है वो आगे बढ़ाएंगे। तो आप लोगों से विदा लेता हूँ, और अगर आप लोगों को प्लीज़ वीडियो लगा, अगर अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक कर दीजिए। और कोई सुझाव या कोई बिजनेस आइडिया आप हमसे डिस्कस करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए, और अगर हमसे जुड़कर बिजनेस करना चाहते हैं तो भी हमारे दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करिए, हम आपकी पूरी सहायता करने की कोशिश करेंगे और जितना संभव मदद होगा मैं आप लोगों के लिए करूँगा। और आप लोग को भी चाहिए कि अगर आपके पास ऐसा अपॉर्चुनिटी है जो आपको कोई मार्गदर्शन दिखा रहा है तो उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि हमेशा अपॉर्चुनिटी आपके दरवाजे पे नहीं खटखटाएगा, आज आपके पास ऑप्शन है। दूसरा, मैं एक बहुत बड़ा ऑफर लेकर के आ रहा हूँ आप लोग के लिए। ये 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के बाद आज से 15 दिन इस महीने टोटल, आप इंडिया के किसी भी कोने से अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं किसी भी तरह का, उसकी रॉ मटेरियल्स में आपको प्रॉब्लम है, उसकी मशीनों में प्रॉब्लम है, आप हमसे कंसल्ट करें, मैं आपको प्रोवाइड करवाऊँगा। और दूसरी चीज़, आपके घर तक
फ्री डिलीवरी का मैं वादा करता हूं, आपके घर तक मैं फ्री डिलीवरी करूंगा, क्योंकि ज्यादातर लोगों को यही परेशानी है कि हमारे घर तक आएगा कैसे। पूरे ऑल ओवर बिहार में मैं तो खुद ही डिलीवर कर देता हूं, लेकिन ऑल इंडिया में बाय ट्रांसपोर्ट जैसे होगा मैं आप लोगों को फ्री डिलीवरी करवाऊंगा। ये आप लोगों के लिए 15 अगस्त का कह सकते हैं कि एक ऑफर कहिए या फिर हमारे तरफ से सौगात कहिए। अगर आज भी आप लोग बहाना करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत अच्छा है आपके फ्यूचर के लिए। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय, टाटा, सत श्री अकाल।